देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। गंज बासोदा नगर में आज गंज बासोदा यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष आकाश वर्मा का विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हुए। नगर में जगह जगह आतिशबाजी की गई और उनका स्वागत किया गया। नए अध्यक्ष पर युवाओं को एकजुट करके यूथ कांग्रेस के माध्यम से नगर पालिका चुनाव में पार्टी को सफलता दिलाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चरम पर है, ऐसे में नए अध्यक्ष को सभी नेताओं को साथ कर चलना भी एक चुनौती के रूप में उनको स्वीकार करना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस सेवा दल के यंग ब्रिगेड जिला अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि गंज बासोदा की राजनीति में कार्यकर्ताओं को शोषण किया जाता है और कार्यकर्ता के काम नहीं किए जाते। वहीं राहुल गांधी के द्वारा जो यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया हुई है उसकी तारीफ करते हुए कि जो लोग कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के बीच के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं में से कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए हैं। वहीं नए अध्यक्ष की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आकाश वर्मा हमारे बीच के जमीनी कार्यकर्ता हैं और पहले से ही कार्यकर्ता और छात्रों की लड़ाई लड़ते आए हैं। वहीं कार्यक्रम में शमशादाबाद विदिशा सिरोज के नव निर्वाचित अध्यक्ष भी शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रहलाद सिंह रघुवंशी, विकास शर्मा, सत्य प्रकाश सेन, भगवान दास, सुनील पिंगले, मंजू कुशवाहा भी शामिल रहे। हमारा फॉर्मूला सबसे पहले तो ये रहेगा, पूरी हमारी DCC की कमेटी बनेगी, उसमें पूरे चयन समिति रहेंगे, अन्य मोर्चा संगठन रहेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो युवा साथी है, जो हमारा प्रत्याशी है, वो कांग्रेस के प्रति कितना निष्ठावान रहा है, वार्डीय समीकरण में उसका क्या योगदान रहा है, वार्ड के प्रति उसकी कितना रुझान रहा है वार्ड्स के प्रति, क्योंकि हमारे जो जिलाध्यक्ष जी कमल जिलाधिकारी जी हैं, उनने अलग अलग माध्यम से उनकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। पूरे ज़िले के अंदर, हर नगर पालिका के अंदर कुछ गुप्तचर भी हमने छोड़ रखे हैं कि जो टिकट के नाम निकाल के लाएंगे, और कुछ प्रभारी भी बना रखे हैं जो ओपन होकर काम करेंगे, और कुछ जो पीछे से काम कर रहा है, इन सब का निष्कर्ष जो निकलेगा, जो अच्छे नाम निकलेंगे, उनको टिकट से नवाजेंगे।